the rest of the chapter, page number 96. That is next topic, rail transport and air transport. First of all, rail transport. Rail के बारे में सुना है सुना होगा, it means trains को चलती है. Railways are an ideal important means of long distance transport. Railway जो है लंबे route के लिए काफी अच्छा transport है. In India, the first railway train, भारत में जो पहली railway train चलती थी, वो start हुई 1853. कहाँ से कहाँ तक? वो थी बॉम्बे से ठाणे, मुंबई टू ठाणे. Now we have the largest railway network in Asia. Asia में सबसे बड़ा rail network है and fourth largest in the world. Thousands of passengers use it for going to far off places. जो जिन लोगों को काफी लंबे लंबे जगह पर दूर से दूर दूर जगह पर जाना होता है, वो इस transport का use करते हैं. Railways are in carrying heavy and bulky goods. Railway में जो लोग का सामान होता है, goods होते हैं, बड़े-बड़े heavy हैं सामान होता है, बल्कि वो भी goods में transport कर सकते हैं. They include coal, minerals, food grains, fertilizer, cement, इस तरह के goods. Longest railway route is between Jammu Tawi in the north, Kanyakumari in the south. सबसे लंबा railway route है Jammu Tawi north में और Kanyakumari south. It can be traveled in less than 2 days. इसको 2 दिन, 2 से कम दिन में travel कर दिया जा सकता है. Some trains like Rajdhani Shatabdi Express run at a very fast speed. और जो fast speed वाले trains हैं वो है Shatabdi Express और Rajdhani Express. सभी नाम जो मालूम है दोनों trains का. The distance between the railway track is known as gauge. Railway track के बीच में जो distance होता है, वो होता है gauge. जो railway tracks बना होता है, उनके बीच में distance होता है, उसको बोलते हैं gauge. In India, there are 3 types of railway tracks. हम 3 types of railway tracks का बोलते हैं. वो है आपके broad gauge, medium gauge and narrow gauge. मिसाल अगर railway wagon and coach increases according to the type of gauge, तो railway के जो coaches होते हैं या wagon होते हैं, उनका size जो ये गेजेस हैं गेजेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है. नैरो गेज रेलवे लाइंस आर अवेलेबल इन हिली एरिया. नैरो गेज रेलवे लाइंस हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर अवेलेबल होती हैं. वे आर लोकल ट्रेन्स फॉर मूविंग विदिन बिग सिटी. अगर किसी शहर में एक जगह दूसरी जगह पर जाना होता है तो वहां पर लोकल ट्रेन चलती है. कोलकाता है अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो. मेट्रो ट्रेन आप सभी लोग जानते हैं जो अंडरग्राउंड चलती है. वो सबसे पहले कोलकाता में चली थी, उसके बाद दिल्ली भी सेकंड नंबर पर दिल्ली में आती है, उसको मेट्रो रेल बोलते हैं. इसके बाद आता है ट्रैवल रिसेंटली बाय ट्रेन, या से पूछा गया है कि आपने ट्रेन से ट्रैवल किया है कि नहीं किया. अब आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट. एयर वे जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर वे सभी जो हमारे सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है. इट इज मोस्ट एडवांस डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. काफी एडवांस और डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच द प्लेसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड एंड ट्रेन. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम वहां भी यूज कर सकते हैं जहां हम रेल से या फिर रोड ट्रांसपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं. दैट मींस जैसे जंगल से जाना हो आप अपनी ट्रेन से जा सकती हैं, रोड से जाती हैं. डेजर्ट में जाना हो आप बीवी सीटर से जाना हो. ट्रेवल बाय एयर इज कम्फर्टेबल बट इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. एयर ट्रांसपोर्ट कम्फर्टेबल तो है, सुविधाजनक है, बट इट इज वेरी कॉस्टली. पूरी तरह ट्रेन आर लेकिन डिफरेंट सीट्स इन साइज. स्मॉल प्लेन्स कैरी लेस पैसेंजर्स. जो प्लेन्स हैं वो काफी अलग साइज के होते हैं. छोटे प्लेन्स होते हैं कम पैसेंजर्स आते हैं. और हेलीकॉप्टर्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग स्मॉल एरियाज के लिए. ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर रिप्रेजेंटेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट. भारत के जितने बड़े शहर हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं. प्लेन्स आर पार्क इन हैंगर्स एट एयरपोर्ट. हैव यू सीन एन एयरपोर्ट? एयरपोर्ट होता है जहाँ पर प्लेन्स आते हैं और वहीं से वो टेक ऑफ करते हैं. इसके बाद आता है बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट. द प्रोसेस प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द गुड्स वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. वाटर ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा नेटवर्क है. एंड मेनी रिवर्स इन इंडिया आर सपोर्टेड बाय वाटर ट्रांसपोर्ट. भारत से नदियां हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काफी सुटेबल है. मेनी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन द कोस्टल एरियाज. बिग शिप्स एंड स्टीमर्स कैन लोड एंड अनलोड गुड्स फ्रॉम दीज पोर्ट. तो जो शिप्स हैं जो पानी में चलती हैं, पानी के बाद आपको ऑब्वियस में हम हाइड्रेट सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं. दो ये स्लो बढ़ती थी, मतलब ये स्लो है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो है, टाइम ज्यादा लगाता है लेकिन ये चीप भी है, सस्ता भी है. लेकिन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अदर. मेन सी पोर्ट्स हैं इंडिया में वो है मुंबई, आंध्रा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता है, मैंगलोर. अडल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेटिंग एज द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज वो गुड्स कैन बी कैरी चीपली कोल्ड स्टेट एंड ट्रेड.
तो भारत में इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि काफी डेवलपमेंट हुआ है, वो इसीलिए हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से। अबाउट 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। भारत का जो 95% ट्रेड का भाग चलता है वो समुद्र के द्वारा ही चलता है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एडवांस्ड। तो हमारे लाइफ को जो कंफर्टेबल बना सुविधाजनक है और वो एडवांस बनाने को किसने बनाया है, वो डिफरेंट है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, वॉच इट फॉर द वीडियोस।